तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका एक नए व्लॉग में। और आज हम जाने वाले हैं ऋषिकेश को। काफ़ी देर हो चुकी है मुझे निकले हुए और मैं ऋषिकेश बस पहुंचने वाला हूं। सामने बोर्ड पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, योग नगरी ऋषिकेश में आपका स्वागत है। तो जो लोग ऋषिकेश आ चुके हैं उनको पता होगा, और जो लोग नहीं आए हैं उनको बता दूं कि ऋषिकेश पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है। और ऋषिकेश से पहाड़ों का सिलसिला शुरू होता है, बद्रीनाथ केदारनाथ वगैरह जाते हैं लोग। उसके अलावा ऋषिकेश जो है वो योग का बहुत बड़ा केंद्र है। योग प्रशिक्षण के लिए बहुत सारे यहाँ पे संस्थान हैं, लोग आते हैं। इसके अलावा गंगा जी जो पहाड़ों के बाद सबसे पहले जो ज़मीन पर आती हैं वो ऋषिकेश में ही आती हैं। तो सब कुछ दिखाएंगे आपको। और ये देखिए आप नज़ारा देखिए, ऋषिकेश हम बस पहुंचने ही वाले हैं और ये खूबसूरत पहाड़ आपको दिखने शुरू हो गए। तो शहर शुरू होने वाला है और बस कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे शहर के अंदर। तो चलिए देखते हैं शहर के अंदर का नज़ारा कैसा है और दिखाते हैं आपको। वैसे तो घूमने को बहुत जगह हैं ऋषिकेश में, लेकिन हम कुछ मेन जगह पर जाएंगे और घूमेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम त्रिवेणी घाट पे, गंगा जी के किनारे बना हुआ ये खूबसूरत सा घाट है। तो बस अभी मार्केट का ये सिलसिला शुरू हो चुका है और इस गली से होते हुए हम सीधे पहुंच जाएंगे त्रिवेणी घाट पे। तो दोस्तों जैसा मैं बता रहा था आपको, मैं पहुँच चुका हूँ त्रिवेणी घाट जैसा आप देख रहे हैं। तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि कैसा दिखता है और सब कुछ दिखाएंगे। तो सबसे पहले भीड़ तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है अभी। और ये देखिए यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है उत्तराखंड टूरिज्म का, जिस पे लिखा हुआ है कि यहाँ से पास पास में कौन कौन सी जगह। दिखाता हूँ मैं आपको, ये नियरेस्ट प्लेस हैं, 8 जगह लिखी हुई हैं। 8 जगह तो नहीं जा सकते क्योंकि अभी मुझे भी कुछ अपना काम है, तो मैं वो अपना काम भी निपटाऊंगा। तो फिलहाल ये देखिए, ये गंगा जी पहाड़ों के बाद सबसे पहले जो ऋषिकेश में उतरती हैं गंगा जी, वो नज़ारा है ये यहाँ का। तो सबसे पहले आप ये देखिए और फिर लौट के आते हैं। तो देखा आपने, ये है हमारे अर्जुन और कृष्ण भगवान की रथ पे बनी हुई खूबसूरत सी मूर्ति। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये मेन जगह है जहाँ पे रोज़ आरती होती है गंगा जी की। और चलते हैं आगे और ये देखिए, ये है गंगा जी का पूरा फैलाव। अभी जल बहुत बढ़ गया है क्योंकि ऊपर बारिश हुई है पहाड़ों में, और सामने देखिए बादल भी बनते जा रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी बारिश होने की संभावना है। ये देखिए पहाड़ों से बादल उठते दिखते हैं। तो चलते हैं और दिखाते हैं कुछ दूसरी जगह आपको। तो अब हम जाने वाले हैं एक बहुत ही फेमस जगह पे। ऋषिकेश में कोई भी आता है तो उस फेमस जगह पे ज़रूर जाता है, सबको पता होता है कि वहाँ जाना है। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं बहुत ही जल्दी। और ये एक पुल बना हुआ है यहाँ पे, जब ज़्यादा बारिश होती है तो इसमें पानी आता है ऊपर से पहाड़ों से और गंगा जी में मिल जाता है। तो चलते हैं आपको और जल्दी ही आपको दिखाते हैं वो जगह। तो वो फेमस जगह पड़ती है इस मुनि की रेती नाम की जगह पड़ती है यहीं पे ऋषिकेश में। और ये यहाँ पे एक घाट है, देखिए सामने लोग लेटे हुए हैं जल में। और दिखाता हूँ मैं आपको जिसकी मैं बात कर रहा था,
ये सामने आपको दिख रहा होगा एक बहुत बड़ा सा ब्रिज, इसको बोलते हैं लक्ष्मण झूला। लोग इसके ऊपर आते ज़रूर हैं, फ़ोटो सेल्फी खींचते हैं जब भी ऋषिकेश आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फेमस प्लेस है। ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत लगता है जब आप ऊपर खड़े होते हैं वहाँ पे। और एक दूसरा पुल भी है जो अभी बन रहा है, उसको मैं दूसरी तरफ जाके आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं दूसरी तरफ और दिखाते हैं आपको उस पुल को। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, ये जो सामने आपको एक पुल दिख रहा है ये अभी बन रहा है, और इसे बोलते हैं जानकी सेतु, जो अभी बन के तैयार नहीं है, अभी काम चालू है। तो चलते हैं और आपको लक्ष्मण झूला के ऊपर जाके दिखाते हैं कि वहाँ से कैसा दिखता है। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ लक्ष्मण झूला के ऊपर। देखिए जैसा आप दिख रहा होगा कि कितना पतला रास्ता है ये, और ये देखिए यहाँ से कितना अच्छा और कितना खूबसूरत लग रहा है। पता नहीं आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, लेकिन मुझे, मैं फील कर पा रहा हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। चलते हैं आगे। और ये रास्ता जाता है आगे को ऋषिकेश से ऊपर की तरफ, पहाड़ों की तरफ। तो मुझे इधर कुछ काम है, तो मैं अपना काम भी निपटाऊंगा और आपको थोड़ा सा रास्ता भी दिखा देता हूँ, और फिर मैं आपको एक और खूबसूरत सी जगह दिखाऊंगा। तो बस बने रहिए। तो सामने आप देख रहे हैं गंगा जी, और ये है बैराज। जो सामने गंगा जी आप देख रहे थे वो हरिद्वार की तरफ गई हैं इस बैराज से, और जिधर का हम जा रहे हैं इधर एक इसी बैराज से एक नहर निकली हुई है। तो जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा था वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये आ गए हम उस लोकेशन पर। इस रोड से हम जाते हैं हरिद्वार जंगल के रास्ते से, लेकिन ये लोकेशन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जब भी मैं ऋषिकेश होता हूँ मैं ज़रूर आता हूँ शाम को यहाँ पर, और बहुत सारे लोग आते हैं शाम को यहाँ पे घूमने। और ये बहुत अच्छी जगह है, कभी आप ट्रैवल करने ऋषिकेश आएँ रुकें तो एक बार इधर भी आएँ ज़रूर। ये बहुत अच्छी जगह है और बहुत सुकून मिलता है इधर आके आपको शाम को बैठने पे, क्योंकि वादियाँ भी हैं साथ में, नहर भी है, और खूबसूरत से रास्ते को आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये ऋषिकेश का सफ़र, और ऐसे ही खूबसूरत रास्ते और ऐसे ही खूबसूरत सफ़र चलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़, और एक वीडियो को लाइक कर देना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना। और जल्दी ही मिलता हूँ नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।